सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास टेंथ मैथमेटिक्स। आज जो स्टैंडर्ड पेपर हुआ था ना आपके क्लास टेंथ का, उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। सेट नंबर 4 है ये स्टूडेंट्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड पेपर है, मैं आपको बता दूँ, ये स्टैंडर्ड पेपर है, सेट नंबर ये 4 है। आप देख सकते हो जी एस के जो है ये 1 है, ठीक है। मैं बेसिक और अदर कोर्स का भी लाने का मैं ट्राई करूंगा, बट अभी जो मेरे पास अवेलेबल है पेपर, तो मैं उसी को आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये इसी को मैं अभी डिस्कस करूंगा। चलिए तो मैं इसी के साथ आगे चलता हूँ, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। चलिए तो मैं पेपर को स्टार्ट करना चाहूँगा, एंड ओके तो इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको पता ही है सारी चीज़ें। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है कि एच सी एफ ऑफ 39 and 91 इज इक्वल टू 13, देन एल सी एम इतना। सो आपको स्टूडेंट्स एक चीज़ पता है कि एल सी एम इंटू एच सी एफ क्या होता है, दो नंबर का क्या होता है ना मल्टीप्लीकेशन, यानी ए इंटू बी। यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास ए बी क्या दिया हुआ है, 39 और 91, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 39 into 91 इज इक्वल टू वॉट, क्या कर सकते हैं, एल सी एम आपके पास एच सी एफ दिया हुआ है 13 इंटू, हम लिख सकते हैं एल सी एम, ऐसा कर सकते हैं। ये 37 जा चला जाएगा स्टूडेंट्स, और जो लास्ट जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 273। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ऐसा नहीं कीजिएगा कि जहाँ सिर्फ ये ग्रीन लगा हुआ है सिर्फ उसी को देखिए, आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो देखिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे का क्वेश्चन बोला है 4.57 पे बार, ठीक है। ये कैसा है, तो आपको पता है कि ये कुछ इस टाइप से रिपीट करेगा 4.57 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या है, कैसा है, रिपीटिंग है ना स्टूडेंट्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होने के कारण ये एक रैशनल नंबर है। कैसा स्टूडेंट्स, ये है, ये दिस इज एन रैशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा स्टूडेंट्स, लेट मी टू क्लियर द स्क्रीन, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x-3y इज इक्वल टू 9, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है, चलिए एक बार चेक करवा देता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 4x-3y इज इक्वल टू 9 इंटरसेक्ट y एक्सिस, तो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने के लिए आप वो आपको पता है कि y एक्सिस पे x का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स 0 रहेगा, तो 0, y आप पुट करके अगर देखोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला, क्वेश्चन नंबर फोर बोला स्टूडेंट्स कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना, वो क्या इक्वी डिस्टेंस है दिस पॉइंट से, ठीक है। मैं पेन का थोड़ा सा विद छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट पूछ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो आप इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाओगे, x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2, इससे निकालोगे आंसर आ जाएगा इन पार्ट, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पैकअप कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। चलिए मैं इसको जस्ट मैं ये इरेज कर देना चाहता हूँ, और यस तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस पेन का अगर कलर चेंज कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं। फिर बोला क्वेश्चन नंबर 5, इन ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर, ओके ए बी सी एंड पी क्यू आर जो है वो सिमिलर ट्राइंगल से, ठीक है। ए बी सी एंड पी क्यू आर जो है सिमिलर ट्राइंगल से, सच दैट ए का जो वैल्यू है 31 डिग्री है, ए का वैल्यू 31 डिग्री है, आर का वैल्यू जो है 69 डिग्री है, पॉजिटिव का प्लस करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा 100 डिग्री, एंड सम ऑफ एंगल ऑल एंगल विल बी द 180 डिग्री, देन आंसर हैंस विल बी 80 डिग्री, ओके 80 डिग्री जो इसका डी पार्ट है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 जब देखोगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ बोला है कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, कॉस थीटा का वैल्यू √3/2, तो आपको अगर याद होगा स्टूडेंट्स तो कॉस की किस वैल्यू के लिए √3/2 आता है, तो हमें याद आया कि कॉस 30 डिग्री के लिए भी आता है, तो सब जगह पे क्या करो ना कॉस की 30 डिग्री को पुट करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2/√3, तो यानी कि इसका हो जाएगा 4/3, नीचे सिमिलरली 4 + 4/3, अब ऐसे करोगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा
4 4 3 क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 12 माइनस 8 8 बाई 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज 16 बाई 3, 3 कैंसिल, 8 वन 8, ये इसका जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो स्टूडेंट्स 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया स्वेप्ट बाय 7 मीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स। एक मिनट में जो है स्टूडेंट्स वो कितना बनाता है, 5 डिग्री। 10 मिनट्स में कितना स्टूडेंट्स बनाएगा, वो 50 डिग्री का एंगल बनाएगा। 50 डिग्री का बनाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि ये सेक्टर को कंप्लीट करेगा, ठीक है, एक 10 मिनट्स में ये एक सेक्टर को कंप्लीट करेगा। अगर स्टूडेंट्स ये एक सेक्टर को कंप्लीट कर रहा है ना, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो जो है आपका नथिंग बट डी पार्ट आएगा, ठीक है। इसको एक बार आप करके देख लेना स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेशन जब करोगे तो आपका जो इसका आंसर डी पार्ट आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपकी भी टाइम बचे और मैं जितना हो सकता है उतने अच्छी तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखना चाहेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सेइंग स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स व्हेन टू फेयर कॉइन टॉस टुगेदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स स्टूडेंट्स, सो अगर दो कॉइन एक साथ टॉस किए जा रहे हैं तो ये सब आपको भी पता होगा कि इसमें या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड हेड आएगा ना स्टूडेंट्स। अगर ये चार केसेस आ रहे हैं यहाँ पे, अगर ये चार केसेस यहाँ पे आ रहे हैं, सो देखो किस केस में जो है हेड आ रहा है दो बार, तो एक ही केस है। और टोटल प्रोबेबली आउटकम्स कितने, तो 1/4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। सो ये आपका राइट आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करवाऊँ तो क्वेश्चन नंबर वो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोले टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ एज 12। एचसीएफ जो है दो पॉजिटिव नंबर का वो 12 है, एंड देयर प्रोडक्ट एज 6336, ठीक है स्टूडेंट्स। उसका जो प्रोडक्ट है वो 6336 है, ठीक है। सो उसका जो है दैट इज क्या पूछा है आपसे, द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल, पेयर पॉसिबल नंबर्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सो उसके जो पेयर पॉसिबल नंबर्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2। कैसे स्टूडेंट्स 2 हो जाएंगे, सो आपको पता है कि हमारे पास कोई दो ही नंबर होगा ए और बी जिसके मिक्सअप से ये बना हुआ है, दो ही का हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है एचसीएफ एंड एलसीएम के लिए, ठीक है। सो उसका जो पॉसिबल पेयर हो जाएगा वो स्टूडेंट्स वो ए हो जाएगा, दैट इज कितना 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू 3। तो वाई इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3 पे स्टूडेंट्स इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे डी दैट इज नो सॉल्यूशंस, दैट इज वो कितने आ जाएंगे, दैट इज उसके जो क्वेश्चन है वो नो सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, और भी उसके साथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको डिस्कस करेंगे तो आपको भी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी ना। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, एक सेकेंड, यस येलो कलर लेते हैं ना, अच्छा लग रहा है। इन द गिवन फिगर बिलो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक पी क्यू पैरेलल ए बी। क्या बनाएगा पी क्यू पैरेलल ए बी, तो यहाँ पे देखिए, तो एक्स की वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे लगेगा आपका बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम पढ़ा होगा आपने स्टूडेंट्स क्लास में कि वो क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो उसी का यहाँ पे फंडा लगना है स्टूडेंट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 3x माइनस प्लस 19 विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन 3x प्लस 4। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, आप लोग कर लोगे खुद से, मुझे आप पे यकीन है। और जो इसका राइट आंसर है वो है ए पार्ट, वो इसका राइट आंसर ए पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ना चाहूँगा मैं स्टूडेंट्स, और आई होप आपको जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उतने आपने अटेम्प्ट किए हैं और काफ़ी अच्छा से गया होगा, और आई होप मेरे एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आते हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट मैथमेटिक्स आपको मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छी तरीके से दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बोल रहा है गिवन साइन अल्फा, साइन अल्फा का जो वैल्यू है वो बोल रहे हैं √3/2। अब इसी से हमारे दिमाग में चमक गया कि ये 60 डिग्री पक्का होगा, क्यों, साइन 60 के लिए ये वैल्यू आते हैं और 10 के लिए ये कितनी 30 डिग्री पे ये वैल्यू आते हैं स्टूडेंट्स। ये 60 ये 30, तो अल्फा जो है 60 और बीटा जो है वो कितना आ गया हमारा, बीटा आ गया 30। तो हमको पता है स्टूडेंट 60 माइनस 30 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 30। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, दैट इज आपका 30 डिग्री पे पुट करो तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है स्टूडेंट्स की वो कितना हो जाएगा √3/2। तो अगर √3/2 इसका वैल्यू है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, दैट इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, एक सिंगल थ्रो कर रहे हैं डाई का, ठीक है। मान लो ये कोई एक डाई है, ठीक है, डाइस इसको नहीं बोलते स्टूडेंट्स, डाई मतलब एक और डाइस मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। ये थ्रो कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 बार में कितनी आएगी, वो 6 आउटकम्स आएंगे इसके।
अब बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर क्या क्या होंगे, या तो फोर होंगे या तो क्या होंगे सिक्स होंगे, यानी कि दो या दो से ज्यादा से डिवाइड हो सकता है ये, ठीक है। सो आप पुट करो टू अपॉन में सिक्स, तो इसका राइट आंसर वन अपॉन में थ्री आ जाएगा स्टूडेंट्स से, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा करवाए गए एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है, अगर पसंद आते तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इतना विल टर्मिनेट आफ्टर। अब आपने इस क्वेश्चन को देखा स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को देखा और आपने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आई होप ये 250, अब देखिए अब यहाँ पे आपने दिमाग लगाना शुरू किया, अब आप जब 250 का क्या करोगे, आप यहाँ पे एलसीएम लेने शुरू कर दोगे, तो ये कितने टाइम्स में आ जाएगा, 125 टाइम्स में आ जाएगा स्टूडेंट्स, फिर 5 से 25 टाइम्स में, 5 जा, तो यहाँ पे 5 का क्यूब इंटू 2 करोगे स्टूडेंट्स। हमको पता है इसका जीरोस कितना होगा, हाईएस्ट पावर तो इसका जो है 3, तो इसका जो सॉरी ये टर्मिनेट कैसे कर जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद, क्योंकि उसके हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, इसीलिए वो टर्मिनेट कर जाएगा स्टूडेंट्स 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद तक, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 15 16 निपटा लेते हैं एक बार में, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या बोला 14 की, दैट डेसिमल ये तो मैंने करवा दिया, 15 16 करते हैं, द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 आर, वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो a1 बाय a2 है डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, खुद भी करके देख सकते हो स्टूडेंट्स कि 3 बाय जो 4 है वो इक्वल नहीं है 2 बाय 8 के स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये कैसे है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग या फिर इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। खैर अब आपको इसे सीखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका तो लीनियर इक्वेशन अब नेक्स्ट टर्म के में आएगा ही नहीं, है ना, बट कोई बात नहीं, हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ये तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, मैं ये ऐसे समझा देता हूँ कि एक यूक्यूलेटर ट्रायंगल है जिसका साइड है पी, ठीक है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे ना स्टूडेंट्स, रूट 3 बाय 2 आप क्या करोगे, रूट 3 बाय 2 इंटू ए करोगे, ए क्या है भैया, यहाँ पे पी है तो वहाँ पे पी पुट कर दो, ठीक है। 4 इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट्स क्योंकि रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, दैट इज हम लोग एरिया फाइंड के लिए करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार में सॉल्व करने चाहेंगे, और चलिए क्वेश्चन नंबर इजी है सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए साइन थीटा का वैल्यू पी बाय क्यू, तो भैया बहुत लोग पी बाय एच यहाँ लिख के आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है उसी से खेलना है, हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है। सो मेरे पास देखो पी बाय एच यानी कि परपेंडिकुलर मेरे पास इतना है पी एंड क्यू, जो मेरे पास हाइपोटेनियस, तो बी जो है वो मेरे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब मुझे निकालना है टेन, टेन का क्या वैल्यू होता है पी अपॉन में बी, सो पी का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, पी का जो वैल्यू पी अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे स्टूडेंट्स। ये करने के बाद आपका जो आंसर फाइनल आ गया है, ठीक है, आपका जो आंसर फाइनल आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करना चाहूंगा कि एक वर्टिकल पोल है जिसका 19 मीटर कास्ट शेडो 57 मीटर, ठीक है, और फिर टावर कास्ट इतना, तो ऐसे ही निकाल सकते हो आप स्टूडेंट्स की, आप देखो ये कैसे चला जाएगा, 19 3 जा ये कट जाएगा और 3 से ये 17 जा कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 17 मीटर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये आपके समझ में आ गया हो। फिर पूछा था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इतना इज, ये जो है इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या होता है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा, ओके स्टूडेंट्स, अंडर रूट कीजिए। अब देखो अब साइन थीटा निकल के आएगा अंडर रूट से, इंटू आप क्या कर सकते हो 1 अपॉन में कॉस थीटा, आप यहाँ साइन अपॉन में कॉस लिखोगे स्टूडेंट्स, साइन अपॉन में कॉस थीटा, इसका वैल्यू आपके पास टेन थीटा निकल के आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका जो वैल्यू आपके पास फाइनल वैल्यू जो है टेन थीटा निकल के आने वाला है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे, इन द गिवन फिगर क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए सी बी आर द कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, और यहाँ क्या पूछा है स्टूडेंट्स, लेट मी टू सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी बोला स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या बोला है कि ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के, ए डी क्या है परपेंडिकुलर है बी सी के, आपको यहाँ बताना है, तो इसका जो है ना वो क्या हो जाएगा ना, ये देखो ये क्या है ए डी परपेंडिकुलर बी सी के, ये जो है इस पैरेलल लाइन के, और डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट्स में स्टूडेंट्स, ये बी डी और ये सी डी, ये तो ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल एक साथ जब लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा, अब गेस करो, चलो ये नहीं है यहाँ पे, अभी मैं आपको ऑप्शन से ही बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा सी पार्ट, सी पार्ट क्या हो जाएगा, ये बी डी इंटू जब ये हम सी डी करेंगे ना ये दोनों को इक्वल, तो ये इस ए डी के स्क्वायर के इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये इस ए डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए पार्ट सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन सेक्शन बी में आ गया है।
सेक्शन बी में क्या बोला स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 22 एक साथ सॉल्व करना चाहेंगे क्योंकि 23 यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 22 सॉल्व करने के लिए आप भी तैयार हो जाइए, बोर तो नहीं हो रहे हैं, आई होप नहीं हो रहे होंगे, और आपको मजा आ रहा है, मेरे सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं। सो देखो लाइक लाइक ठोक दो, ठीक है, लाइक ठोक लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, ऐसे सब आप देखो टर्म टू के लिए कितनी सारी सरप्राइजेज आने वाली हैं। अभी तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की वीडियो आना बाकी है, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑप्ट किए हो, मैंने अभी आईटी की ही करवाई है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की वीडियो आनी बाकी है अभी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्या बोला, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इसका वन जीरो ये दिया गया था, वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू आप एक्स के जगह माइनस थ्री को पुट करो, यानी कि के माइनस वन इंटू नाइन हो जाएगा प्लस इंटू क्या हो जाएगा माइनस माइनस थ्री इंटू के प्लस वन, तो इसका जो फाइनल आंसर यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो वो फोर बाय थ्री आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो कितना आ जाएगा फोर बाय थ्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 22 करना चाहेंगे स्टूडेंट्स आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करना चाहेंगे। तो द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रॉम्बस, इतना एन इतना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ, पेरीमीटर पूछा है रॉम्बस का स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, आप जो रॉम्बस का पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसके साइड्स को एड करोगे, तो आपके पास जो लास्ट आंसर आएगा फाइनल आंसर 52 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है ये आप अगर मुझे बोलोगे तो ये सारे कंसेप्ट मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हलवा क्वेश्चन है, आई होप आपने कर ही लिया होगा। अब देखो क्या बोल रहा है ए बी सी, अब आपको यहाँ पे बताना है, तो देखो स्टूडेंट्स बीपीटी लगेगा, ये देख लो, हमको पता है कि ये जो एस टी अपॉन में क्यू पी है वो इक्वल होगा स्टूडेंट दैट इज टी आर अपॉन में दैट इज ये क्यू आर के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्यू आर की जो वैल्यू आप पुट करोगे तो बी प्लस सी आएगी स्टूडेंट्स, तो एस टी की जगह क्या पुट करोगे स्टूडेंट्स एक्स, क्यू पी की जगह ए पुट करोगे, टी आर की जगह आप पुट करोगे दैट इज सी, और नीचे आ जाएगा बी प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके आपके पास आ जाएगा ए सी अपॉन में बी प्लस सी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको मेरे द्वारा करवाए गए सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अब क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट्स बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने टैकल इजिली ही कर दिया होगा, है ना, जैसा हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो क्या होता है, वन अपॉन में कोसेक थीटा माइनस वन कॉट थीटा प्लस वन अपॉन में सेक थीटा माइनस वन माइनस टेन थीटा, इस पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, तो सॉल्व तो मैं यहाँ करके दिखा सकता हूँ बट अभी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आप इसके लिए अगर बोलोगे तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम ये मेरा एक मिनट से लेगा, बट ये जो इसका पार्ट जो है सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत लोग जीरो और वन मार्क के आए बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमें देख करके ही बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपने बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में भी दिया गया है, सो आपको पता है 12 टू द पावर एन अगर जीरो से एंड करना हो तो वो या तो 5 से डिवाइडिबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सो इसका जो आंसर है जीरो। तो ये कभी भी एंड जो है स्टूडेंट्स जीरो नंबर से ये कभी भी एंड नहीं होने का, ठीक है, ये कभी भी जीरो नंबर से एंड होएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 26, 27 करना चाहूंगा स्टूडेंट्स आपके सामने सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, लेट मी चेंज द पेन कलर, आपको भी प्रॉब्लम ना आए, यस ग्रीन ग्रीन से करते हैं। वायर को बेंड किया गया है, रेडियस इतना है, ठीक है। चलिए सर्कल का रेडियस आपके पास है तो उसका 2πr लगाओ, 2πr लगाओगे स्टूडेंट्स, और 2πr लगाओगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो वायर के लेंथ के इक्वल हो जाएगा, वायर के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। अब वायर को जब आप स्क्वायर के फॉर्म में बेंड किए हो तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, चार साइड होते हैं स्क्वायर के, तो जो 2πr का वैल्यू आया है 2πr को 4 से डिवाइड करोगे वैल्यू, और फिर आपका जो वो आ जाएगा 88 कर दो स्टूडेंट्स, वो कितना वैल्यू आ जाएगा दैट इज 7744, ठीक है 7744 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करना चाहूंगा आपके सामने सॉल्व कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ नॉन लीप ईयर हैज अ 53 वेडनेसडे, वो 1/7 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्या बोला क्वेश्चन कि इन द गिवन फिगर पॉइंट ए बी सी एंड डी आर नो ऑन साइक्लिक एंड सी बी ई 130 डिग्री देन एंगल एफ डी सी आपसे पूछा है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंगल कैसा पूछा है, एफ डी सी एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, गिवन मेरे पास दिया गया है, अब मुझसे ये एंगल पूछा है एफ डी सी, तो एफ डी सी ये एंगल पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है आप सिंपली क्या करोगे ना, पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो ये जो है ये एंगल
ये आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो एक लाइन, ये इसके क्या करेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के काम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इससे क्या फाइंड कर सकते हो, अगर ये एंगल आ गया तो आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो और फाइनली आपको जाकर के ये फाइनल एंगल मिल जाएगा। अब ये एंगल का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितना आएगा वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसका जो वैल्यू है आपके स्टूडेंट्स वो साफ साफ जो है वो दैट इज नथिंग बट आपके सामने 50 डिग्री आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसका जो वैल्यू आपके सामने 50 डिग्री आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और आपने इस क्वेश्चन को इंजॉय किया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना चाहूंगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पी, मैं कलर चेंज करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। ओके देखो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पी इज ट्वाइस द कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है पी इक्विडिस्टेंट है इतना इतना से, देन कोऑर्डिनेट पी ऑफ पी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स डी। ऐसे क्वेश्चन में गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है द पॉइंट एक्स कॉमा फोर लाइज ऑन अ सर्कल हु सेंटर इज ऑरिजिन, ठीक है सेंटर ऑरिजिन है, ठीक है इस पर लाइक कर रहा है। रेडियस दिया गया स्टूडेंट्स इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स का आप इजिली निकाल दोगे, प्लस माइनस 3 आंसर आएगा इसका स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 पे पढ़ जाएंगे द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा, ये मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ, इजी है वैसे। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो कितने के लिए होता है ये हो जाता है 30 डिग्री के लिए, तो 2 थीटा यानी कि थीटा से कैंसिल करोगे इसको 2 से, सो 15 डिग्री। इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपके सामने 15 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन था ये भी स्टूडेंट्स, और आई होप आपको ये पसंद आ रहा है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, ये 20 मिनट्स का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ता है हमें, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन समझने और समझाने में, इसको एक्सप्रेस करोगे ना एलसीएम के फॉर्म में तो ये इसका ये फॉर्म आएगा 5 × 7 × 11, चेक करके देख सकते हो। 11 × 7 = 77, 777 × 5 करोगे स्टूडेंट तो ये आपके पास निकल के आएगा 385, ठीक है 385 यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का बोल रहा है स्टूडेंट द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस और रेडियस के बीच का डिफरेंस दिया गया, एरिया जो है उसका निकल के आ जाएगा दैट इज 1386, कितना निकल के आएगा स्टूडेंट्स 1386 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड इतना, तो आप देखो यहाँ पे दो ही वॉवेल है तो 2/5 कर दोगे स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सी पार्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला स्टूडेंट्स कि ये जो है ये कुछ आपके पास दिए गए हैं और इसकी वैल्यू पूछ ली गई है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई फाइंड करोगे तो उसका जो फाइनल वैल्यू आएगा आपके पास निकल के वो ऑप्शन नंबर ए 1 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो इन विच इतना को डिवाइड करता है इतना सेगमेंट ए और ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे के इज टू 1 का रेशियो मान लो स्टूडेंट्स, और के इज टू 1 का रेशियो मानने के बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके इजिली आप यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। सॉरी मिड पॉइंट आपसे नहीं बोला हुआ है, सिर्फ ज्वाइनिंग बोला हुआ है, तो आप सिर्फ सेक्शन फार्मूला लगाओ, सेक्शन फार्मूला लगाओ और के इज टू 1 का रेशियो मानो, निकल जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से क्या करोगे साइन थीटा को कॉमन ले लो स्टूडेंट, साइन थीटा को कॉमन लेने के बाद साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो 1 कितने वैल्यू के लिए आता है स्टूडेंट्स, तो 90 डिग्री के लिए आता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस 1, ठीक है। अब ये जो इसका फाइनल वैल्यू आपसे पूछा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है, वो कितना सॉरी वो हो जाएगा 1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ना चाहूंगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे सामने, क्वेश्चन नंबर 38 है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होगा रिकरिंग होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स इसलिए ये रिकरिंग होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज ट्रिपल देन एरिया बिकम्स क्या होता है 9 times स्टूडेंट्स 9 गुना हो जाएगा वो एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 40 फादर इज, आप ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है कि फादर जो है 3 times ओल्ड एज इज सन है 12 years टाइम, यानी कि दो देखो अगर प्रेजेंट एसेज माने तो फादर एक्स है, ट्वाइस इज सन यानी उसका जो है सन का जो है 2y अब मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 साल बाद, तो दोनों में 12 जोड़ दो, ट्वाइस ओल्ड यानी कि फादर को वैसे ही छोड़ दो, इसमें क्या करो 12 जोड़ करके ये करो, इसमें बस 12 ऐड करो, ठीक है। जो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स, वो दैट इज वो क्या हो जाएगा बी 48 years, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 48 years स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सॉरी सेक्शन सी आ गए हम लोग स्टूडेंट, फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केस स्टडी है। चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट बढ़ते हैं। देखो वो जो आपके पास शेप दिखा रहा है वो पाराबोला है, कर ये रिप्रेजेंटेड बाय इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगा इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा ए 1 and -3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका जो वैल्यू है 1 and -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसका वैल्यू आ जाएगा वो दैट इज आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू दैट इज -1 -3, ठीक है।
देन बोला इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार जीरोस एट इतना इतना गिवन बाय, तो x स्क्वायर माइनस x, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस प्लस ऑफ अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लगाओगे निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग, तो चार जगह कट कर रहा है तो चार जीरोस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी 6 यूनिट, ठीक है 6 यूनिट्स हैं वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी 2 है, देख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो, आपके पास तो होगा ही सैंपल पेपर। चलिए सॉरी आपका क्वेश्चन पेपर, ओ इज द ओरिजिन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एस का कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है, एस कहाँ है भैया, एक्स का, एस का कोऑर्डिनेट्स ये एक्स पे माइनस सिक्स और यहाँ पे फोर, तो माइनस सिक्स कॉमा फोर जहाँ भी होगा वो इसका राइट आंसर है, ठीक है माइनस सिक्स कॉमा फोर, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन इतना इन इतना, तो वो थ्री और माइनस वन हो जाएगा, रेशियो में किस में डिवाइड कर रहा है, तो वन इज टू वन के रेशियो में वो डिवाइड करेगा, इसका जो आप डिस्टेंस बिटवीन इसका निकाल के आओगे वो सी पार्ट आ जाएगा टू रूट 74, ये आ जाएगा, ठीक है। एंड द कोऑर्डिनेट एंड द वर्टाइसेस ऑफ आई जी के एल आर बी दैट इज टू माइनस टू, आप वहाँ पे ग्राफ में निकाल भी सकते हो, ठीक है, जे का इतना वैल्यू और ए और एल का इतना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, और आज जो हमने पूरे के पूरे आपका जो है सैम्पल पेपर सॉरी आपका जो क्वेश्चन पेपर है पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट वी विल फील मोटिवेटेड, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन एंड द नेक्स्ट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।